हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा दैट इज़ जी जे यू इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशन उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे डिस्कस करेंगे सो so, ये हरियाणा में है और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ए ग्रेड मिला हुआ है इन्हें नाक के द्वारा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर करना होगा विजिट जो कि है जी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा आप चाहें तो लाइक like भी कर सकते हैं कोई इश्यू है कमेंट तो सेक्शन में बता सकते हैं एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो so, वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहां पर सेक्शन दिख रहा है पीएचडी एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लीजिएगा डायरेक्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा जिस जिसपे हमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सो so, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है अभी हम इसे भी ओपन करेंगे देन है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की डेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीड्स लास्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि है हेल्प डेस्क सो अगर कोई इशू होता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं मंडे टू फ्राइडे नाइन ए से फाइव पी तक ओके okay. सो so, अब हम सबसे पहले की डेट्स की बात कर लेते हैं लास्ट डेट क्या है देन सीट्स देख लेंगे किस किस सब्जेक्ट में है उसके बाद हम ओपन करेंगे ब्रोशर उससे पहले अप्लाई ऑनलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं सो so, ये है एप्लीकेशन पोर्टल इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, आप देख लीजिएगा येस yes, ये है पोर्टल इस पर लास्ट डेट आप देख भी सकते हैं सेवन्थ और फेव लास्ट डेट है पाँच बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं सात फरवरी को ऑनलाइन पेमेंट की भी लास्ट डेट सेम है देन फाइनल जो एप्लीकेशन सबमिशन है उसकी डेट जो है लास्ट डेट वो आ, है सात फरवरी ही बट बारह बजे से पहले तक आप कर सकते हैं सो एक्चुअली पेमेंट के बाद आपको लास्ट स्टेप फाइनल सबमिट करना होगा सो so, वो बारह बजे से पहले आपको करना होगा देन आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं सो so अब हम ओपन करते हैं वन बाय वन इन पीडीएफ्स को सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल की डेट्स ट्वेंटी फोर्थ जनवरी को इन्फॉर्मेशन आई है नोटिफिकेशन आया है सेवेंथ फेब लास्ट डेट है अप्लाई करने की ओके okay, उसके बाद है मेरिट लिस्ट आएगी कब आएगी सो नाइन्थ फेब को मेरिट लिस्ट बोला गया आ जाएगी मेरिट लिस्ट फॉर जे आर एफ उसके बाद काउंसलिंग कब होगा जे आर एफ के एडमिशन के लिए या नेट गेट जी पैड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी तो ये दस फरवरी को होगा डिपार्टमेंट आपको जाना होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे है डिस्प्ले ऑफ सीट जो ये एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जो सीट्स बची होगी वो डिस्प्ले होगी इलेवेंथ फेब को उसके बाद डेट ऑफ एंट्रेंस हो उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होगा वेकेंट सीट्स के लिए सो आई थिंक आप समझ गए होंगे दैट जो भी जी आर हैं या नेट गेट जी पैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेप्ट है, डायरेक्टली एक्जेंटेड भी नहीं है दैट इज़ इंटरव्यू भी नहीं होगा लिस्ट आएगी आपको जाना होगा एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट काउंसलिंग होनी है उसके बाद जो वेकेंटी बचेंगी उस उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा कब होगा नाइन्थ मार्च को होगा ठीक है नाइन्थ मार्च डेट लिखी हुई है उसके बाद रिजल्ट आएगा ट्वेल्व मार्च को देन काउंसलिंग होगी फोर्टीन मार्च को ठीक है सो अभी हम मैंने भी नहीं देखा है जो इन्फॉर्मेशन रोशन तो उसे देखेंगे कि काउंसलिंग में क्या वो भी होगा इंटरव्यू या नहीं होगा तो वैसे आई थिंक नहीं होगा बट अभी कंफर्म नहीं है ठीक है अभी हम देख लेते हैं उसके बाद बाकी डेट्स आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए ओपन करते हैं अब सीट्स को उस सीट्स के पीडीएफ को उसके बाद हम देखते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर सो यस डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पीएचडी एडमिशंस सबसे पहले आप डिपार्टमेंट का नाम देख सकते हैं देन टोटल वेकेंट सीट्स उसमें ऑल इंडिया कैटेगरी की कितनी सीट है देन जो हरियाणा रेजिडेंट्स हैं उनकी कितनी सीट है और हरियाणा के जो ओपन जनरल कैटेगरी हैं देन उसकी सीट लिखी हुई है ठीक है देन ई की कितनी है जो हरियाणा के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनमें किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी uh, की कितनी सीट है वो सभी यहाँ पर मैंशन है एंड देन टोटल सीट है सो so हम टोटल सीट की ही बात करेंगे प्लीज आप इसको देख लीजिएगा ओके सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल हैं राइट देन फार्मास्यूटिकल तो उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टोटल सीट है इलेवन फार्मास्यूटिक्स में वन फार्माकोलॉजी वन देन थ्रीमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल फोर सीट्स हैं उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है बायो एंड नानोटेक इसकी बात करें उससे पहले देखिए वन मोर थिंग वैसे आई थिंक क्लियर होगा आपको जैसे यहां पे ऑल इंडिया कैटेगरी में दो सीट है उसके बाद है हरियाणा की ट्वेल्व सीट्स हैं ठीक है थीका? सो टोटल फोर्टीन में दो है ऑल इंडिया दैट इज आउटसाइडर्स जो भी हैं हरियाणा के नहीं हैं उनकी बारह सीट है सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट्स की अब उसके बाद हरियाणा रेजिडेंट्स में से कितना किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है वो एंड ई डब्ल्यू एस की जो सीट है वो टोटल वेकेंट सीट में आती है ठीक है ऑल इंडिया तो इसलिए वन सीट होगा ई डब्ल्यू एस एंड वन सीट बाकी ओपन कैटेगरी की होगी ठीक है इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा एंड उसे समझ लीजिएगा नाव बायो टेक्नोलॉजी में टोटल फोर सीट्स हैं देन नैनो साइंस एंड टेक में टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइव कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थ्री फिजियोथेरेपी फ़ाइव फूड टेक्नोलॉजी फ़ाइव हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस में टेन सीट्स हैं दैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिक्स इकनॉमिक्स फोर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू अप्लाइड साइकोलॉजी फोर एंड हिंदी में एक सीट है ओके okay, जो कि रिजर्वड है हरियाणा के जो भी डोमिसाइल हैं कैंडिडेट्स उनके लिए राइट right? उसके बाद टोटल सीट्स हमने देख ली ओवरऑल जो टोटल सीट्स हैं वो हैं एटी तो इन सीट्स पर होगा एडमिशन सो चलिए अब ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को सो so येस yes, ये है इन्फॉमेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी 2021 2022 ट्वेंटी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अचीवमेंट्स और अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं सो so आप इन्हें पढ़ सकते हैं डेट्स हमने ऑलरेडी देखी हैं देन फर्दर फॉरवर्ड एंड ऑल ये इन्फॉमेशन से अब हम बात करते हैं इंडेक्स की सो so सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ठीक है सो so आप इन्हें देख सकते हैं और अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसे देखना भी चाहिए करेक्ट देन डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टी पोजीशन शेड्यूल क्या है एडमिशन का गाइडलाइंस क्या है अप्लाई ऑनलाइन दैट इज़ अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस है येस प्लीज गो थ्रू दिस एज वेल दे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है क्या क्या गाइडलाइंस है फॉरन स्टूडेंट्स के लिए टेंटेटिव सीज हमने ऑलरेडी देखी है देन फेलोशिप से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है सो so हम इस सेक्शन को देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ही लिया है एंड काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल फोर्टी से फिफ्टी पेज नंबर पर है बट सबसे पहले हम ऑर्डिनेंस ओपन करते हैं पेज फिफ्टी पे है यहाँ पर हमें एलिजिबिलिटी और बाकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है कैसे एडमिशन होता है वो चीज़ें वो डिटेल्स दी हुई हैं पहले हम इसकी बात करते देन हम काउंसलिंग और फेलोशिप की बात करेंगे ठीक है ऑल्सो यहाँ परफार्मा भी दिए हैं सो आप प्रोफार्मा देख लीजिएगा देखिए टोटल 105 पेजेस का ये पीडीएफ है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वन बाय वन पूरे जो भी पेजेस हैं पूरे वर्ड बाय वर्ड कवर करना पॉसिबल नहीं है ठीक है सो बाकी आप इसे पढ़िएगा कोई इशू होता है तो आप बता सकते हैं सो so सबसे पहले अब हम ओपन करते हैं पेज नंबर फिफ्टी सोयस पेज नंबर फिफ्टी वन चैप्टर ट्वेल्व ऑर्डिनेंस फॉर पीएचडी देखिए सबसे पहले यहाँ पे है एलिजिबिलिटी जो कि सेम है मास्टर्स डिग्री है विद फिफ़्टी फाइव परसेंट मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं हरियाणा के जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं या एस सी एस टी ओ बी सी डिफरेंटली एबल्ड हैं आपके लिए फ़िफ्टी परसेंट का है क्राइटेरिया बाकी सबके लिए फ़िफ्टी फाइव परसेंट ही होगा हरियाणा स्कूल ऑफ बिज़नेस के लिए फ़िफ्टी फाइव परसेंट ही चाहिए यहाँ पे कोर्सेज या प्रोग्राम्स लिखे हैं क्वालिफाइड डिग्री उसको आप देख लीजिएगा देन यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं वही फॉलो होंगे उसके बाद है कि प्रोसीजर क्या होता है सो जो मैंने इनिशियली आपको बताया वही फॉलो होता है जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जे है या नेट है तो उन सभी को प्रेफरेंस मिलती है पहले उन्हें सीट्स ऑफर की जाती हैं एंड अभी भी मुझे यही लग रहा है इंटरव्यू नहीं होगा डायरेक्टली अगर टीचर मतलब आप जाएंगे वहाँ पे काउंसलिंग होगी टीचर से बात वगैरह होगी वहाँ पर टीचर्स दैट इज़ फैकल्टी अवेलेबल होते हैं सो उसके बाद ही आपका एडमिशन हो जाएगा ठीक है सो आपको पहले मिलता है दैट इज़ जो भी इनमें से कुछ भी क्वालिफाई किया है आपने तो आपको पहले चांस मिलता है जो सीट्स बच जाती हैं उसके बाद उस पर एंट्रेंस होता है एंड उसके बाद एंट्रेंस के बाद काउंसलिंग ही होती है सो so यहाँ पे फिर से लिखा है कौन कौन से लाइक like, प्रेफरेंस दी हुई है सबसे पहले सीट्स ऑफर किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को जिनके पास फेलोशिप है राइट तो यूजीसी की अगर एन एफ एस सी या एस ये भी फेलोशिप्स है तो भी आप एलिजिबल हैं उसके बाद अगर बचती है सीट तो फिर जो एच एस सी एस टी जे आर एफ है उन्हें ऑफर की जाएगी अगर इसके बाद भी बच गई तब फिर जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हें ऑफर किया जाएगा उसके बाद गेट जी पैट इन सबसे भी सीट्स अगर बच जाती हैं तो उसके बाद उस पर एंट्रेंस होगा ठीक है एंट्रेंस हंड्रेड मार्क्स का होता है फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपको लाने होंगे देन यहाँ पे रेगुलर जो टीचर्स एंड ऑल है उनके लिए भी लिखा है कि वो भी एग्जेमटेड है और वो भी ले सकते हैं अगर टीचर चाहेंगे तो ठीक है कंसेंट होगा टीचर का तो so यहाँ पर उन कैटेगरी कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ले सकते हैं एडमिशन उनके यहाँ पर लिस्ट है सो उसे देखिएगा देन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी ऑब्वियसली और कैसे होगी वो लिखा हुआ है सो so अगर आप यू जी सी दैट इज़ फेलोशिप बॉडी हैं फेलोशिप होल्डर हैं या फिर गेट वगैरह आपके पास है सो सिक्सटी परसेंट वेटेज होगा मास्टर्स के मार्क्स का फोर्टी परसेंट बैचलर्स के मार्क्स का होगा एंड देन वेटेज फाइव मार्क्स का उन्हें मिलेगा जिन्होंने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दैट इज मास्टर्स है तो आपने इस पर इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से किया है ठीक है सो so ये हो गया क्राइटेरिया उसके बाद जिन जो एंट्रेंस देंगे उनके लिए लिखा हुआ है थर्टी परसेंट मास्टर्स ट्वेंटी परसेंट बैचलर्स फिफ्टी परसेंट एंट्रेंस टेस्ट के जो भी मार्क्स होंगे उसको वेटेज मिलेगा देन फाइव परसेंट का वेटेज होगा फेलोज एनऑल के लिए देन जो जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से किया है मास्टर्स उनके लिए फाइव मार्क्स का वेटेज होगा ठीक है सो so इन सभी पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है उसके बाद यहाँ पे कोर्स वर्क लिखा हुआ है एंड यहाँ पे सेम ही पॉइंट्स नोट में लिखे हुए हैं ठीक है सो कोर्स वर्क क्या होगा उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे वो सारी स्कीम क्या होगी ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है राइट देन रजिस्ट्रेशन होगा ऑब्वियसली सो so उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है चेंज होंगे ही नहीं होंगे ये सभी इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है सो so, अब हम बात कर लेते हैं फेलोशिप की सो यस चैप्टर नाइन स्कॉलरशिप और फेलोशिप सो देखिए यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप क्या सबको मिलेगी तो येस yes, नहीं मिलेगी ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट के पास एक यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप है ठीक है सपोज आप नेट क्वालिफाइड है तो आपके पास तो फेलोशिप नहीं है तो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा तो देखिए एक डिपार्टमेंट में एक ही फेलोशिप है जो कि मिलेगी एंड वो फाइव का अमाउंट होगा रजिस्ट्रेशन से पहले और जब कन्फर्म हो गया कि आपने एनरोलमेंट ले लिया है उसके बाद एट पर मंथ हो जाएगा ठीक है कंटीजेंसी भी होगा फाइव पर एन का देन कुछ स्टडी ग्रांट स्कीम भी है है, जो कि पी एच डी स्कॉलर के लिए है सोशल साइंस के फील्ड में जो भी है ICS, की तरफ से ये भी आप अवेल कर सकते हैं बट यह श्योरिटी नहीं है कि मिलेगी एस टी फेलोशिप प्रोग्राम भी है सो so, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक पंचकुला में है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक फेलोशिप प्रोग्राम साइंस स्टूडेंट्स के लिए एमएससी किया है नेट क्वालिफाइड सी एस आई आर नेट उसमें आपने क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे आपको मिल सकता है ठीक है इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है लाइफ साइंस फिजिकल साइंस केमिकल साइंस मैथमेटिकल साइंस इंजीनियरिंग साइंस एंड ओशन एंड प्लेटरी साइंस मैक्सिमम पीरियड फाइव ईय का होगा कितना अमाउंट होगा सो so तो एटीन थाउजेंड पहले दो साल देन ट्वेंटी वन थाउजेंड पर मंथ थर्ड ईयर के बाद से ठीक है और एनुअल कंटीजेंसी ट्वेंटी थाउजेंड की भी मिलेगी ये भी ऑब्वियसली मिल सकती है ठीक है हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं है देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट स ये इन्फॉर्मेशन हमने देखी देन ये काउंसलिंग से रिलेटेड है सो so इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा इसमें यह लिखा हुआ है कि आप जब वहाँ जाएंगे काउंसलिंग में ऑब्वियसली आपका रिसर्च एरिया कि आप क्या करना चाहते हैं इस पर आप बात करेंगे टीचर से बट एज सच इंटरव्यू टर्म या नाम उसे नहीं दिया गया राइट सो so इसे पढ़ लीजिएगा एंड वैसे अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को तो देख लीजिएगा इसे एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है टू चेक इट आउट एंड यस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग